नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आदित्य ठाकरे 15 जून को जाएंगे अयोध्या, भगवान राम लला का लेंगे आशीर्वाद, शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी की पुष्टि। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने सभी को सतर्क रहने का किया आह्वान, कहा कि कोरोना से स्कूल बाधित न हो ये करेंगे सुनिश्चित। और विजय वडेट्टीवार ने फडणवीस के वक्तव्य का किया समर्थन, विजय वडेट्टीवार ने दी इंपिरिकल डाटा संदर्भ में पूरी प्रक्रिया की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पुष्टि कर ली है। आदित्य ठाकरे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 15 जून को अयोध्या जाएंगे। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भगवान राम का आशीर्वाद लेने रामनगरी अयोध्या जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को पुष्टि की है कि आदित्य ठाकरे 15 जून को अयोध्या जाएंगे। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी साफ कर दिया है कि आदित्य ठाकरे का दौरा राजनीतिक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा ऐसे समय पर है जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी पार्टी को बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में आदित्य ठाकरे के चाचा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान किया था। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा था कि वो इस महीने अयोध्या जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका दौरा कैंसिल करना पड़ा। संजय राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे 15 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से वो अयोध्या जाएंगे। राउत ने कहा कि ठाकरे रामलला का आशीर्वाद लेंगे और वो राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे। भारत के प्रमुख पारिवारिक फैशन ब्रांड मैक्स फैशन ने रविवार 12 जून 2022 की शाम को वीआर नागपुर मेडिकल चौक में नागपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में एक अद्भुत शो के साथ अपने मैक्स लिटिल आइकॉन 2022 का समापन किया। पर्व कार्यक्रम ने राज्य भर के परिवारों का बहुत ध्यान और उत्साह आकर्षित किया। एमएलआई ने छोटे जैम्स और दीवाओं को गायन, नृत्य, ड्रॉइंग प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। मई के दौरान प्रेस विज्ञापनों, ऑनलाइन और स्टोर वॉक इन में घोषणाओं के माध्यम से 10,000 से अधिक प्रतियोगिताओं ने प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया। ऑडिशन नागपुर और अमरावती में हुए, जहां विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने जजों का दिल जीतने वाला एक अद्भुत शो पेश किया। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 12 जून 2022 को मैक्स लिटिल आइकॉन्स ग्रैंड फिनाले के 10वें ऑडिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैक्स फैशन के सम्मानित पैनल सभी क्षेत्रों से अग्रणी है। गायन प्रतियोगिता का निर्णय अनिल सहाने द्वारा किया गया, नृत्य का निर्णय प्रसिद्ध नर्तक चेतन देशमुख द्वारा किया गया, कला प्रतियोगिता का निर्णय सुश्री बबीता और अनिल सहाने द्वारा किया गया। फैशन शो और कॉस्ट्यूम जज मिताली आंबेकर थी। क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख पश्चिम भारत मैक्स फैशन श्री देवेश कुमार ने कहा कि भारत में मैक्स के देश भर में 400 से अधिक स्टोर है। ये मैक्स लिटिल आइकॉन का हमारा 10वां संस्करण है और हम अपने ग्राहकों को नवीन और आकर्षक विचारों के साथ जोड़ना जारी रखते हैं। हम इस साल भारत भर के कई शहरों में मैक्स लिटिल आइकॉन की मेजबानी करने और अधिक से अधिक परिवारों और बच्चों तक पहुँचने के लिए उत्साहित है। मैक्स लिटिल आइकन को बच्चों और उनके परिवारों के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैक्स लैंडमार्क ग्रुप का प्रमुख मूल्य फैशन ब्रांड है, जो पूरे परिवार के लिए कपड़े, एक्सेसरीज और फुटवेयर पेश करता है। 2004 में लॉन्च किया गया ये ब्रांड एवरीडे फैशन के लिए जाना जाता है और ये समझदार खरीदारों को किफायती कीमतों पर कई विकल्प प्रदान करने की क्षमता रखता है। ब्रांड ब्रेकनेट गति से विकसित हुआ है और अब 170 से अधिक भारतीय शहरों में, 400 से अधिक स्टोर और दुनिया भर के 19 से अधिक देशों में मौजूद है। 33 मिलियन से अधिक के वफादार ग्राहक आधार के साथ मैक्स हर परिवार के लिए सबसे पसंदीदा ब्रांड है। मैक्स ने मुझे यहाँ पे जजिंग के लिए बुलाया है, तो मैं सबसे पहले तो मैक्स का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और जितने भी हमारे युवा है उनको मैक्स एक फैशन के साथ एक अच्छा टैलेंट भी दे रहा है और हमारे टैलेंट को आगे बढ़ा रहा है। जितने भी हमारे नागपुर के हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फैशन के साथ साथ उनको एक टैलेंट और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये बहुत काफ़ी खुशी की बात है। मैक्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और ऐसे ही हमारे सिटी के बच्चों को और हमारे देश के बच्चों को आप इस तरह इंकरेज कीजिए और आगे बढ़ाइए। बस मैं आपसे चाहता हूँ, थैंक यू सो मच।
नमस्ते, मैं अनिल शाह ने आप सबका जो आप सब जो मुझे प्यार देते हैं, मैं राइटर डायरेक्टर और म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और जैसे आप जानते हैं, और मैं यहाँ पे आज जो है यहाँ के नागपुर के जो युवा टैलेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, जो उभरते टैलेंट है, उसके लिए जो मैक्स ने एक इनिशिएटिव लिया, मैक्स एक फैशन स्टोर रहने के बावजूद वो एक उभरते कलाकारों को एक मंच प्रोवाइड कर रहा है। आपको जैसे सबको पता है, मैं खुद नागपुर से हूँ और यहाँ नागपुर में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है और इस टैलेंट को ढूंढ के निकालने का काम मैक्स फैशन ने किया है। मेरा उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा है कि नागपुर के इस नागपुर से जुड़े जुड़े नागपुर के इर्द गिर्द के सभी डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे उभरते कलाकारों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और इसी तरीके से आगे मैक्स जो है नए कलाकारों को मंच प्रोवाइड करेगा और इसी आशा के साथ जो पार्टिसिपेटर यहाँ पे विजेता हुए उनको भी मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और आप सबका प्यार यही बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। कल नागपुर में सत्संग शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था जिसमें संतों का नगर प्रवेश किया गया। लोगों को राष्ट्रसंत ललित प्रभु सागर महाराज द्वारा सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाई गई। नागपुर के वर्धमान नगर के धनसंस लॉन में सोमवार को भी विशेष प्रवचन होंगे। राष्ट्रसंत ललित प्रभु सागर महाराज ने कहा कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी, आपको वही नजर आएगा जैसा आपका नजरिया है। अच्छी दुनिया को देखने के लिए नज़ारों को नहीं नजरिए को बदलिए। हम केवल अच्छे लोगों की तलाश मत करते रहे, खुद अच्छे बन जाए ताकि हमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियाँ बना लेता है। याद रखें, किसी को सजा देने से पहले 2 मिनट रुकिए। याद रखिए, अगर आप किसी की एक गलती माफ़ करेंगे तो भगवान आपकी 100 गलतियाँ माफ़ करेगा। कदम हमेशा संभल कर रखिए और सोच हमेशा ऊंची। संत प्रवर रविवार को श्री अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट और श्री अरिहंत ग्रुप के तत्वावधान में इतवारी के अहिंसा भवन में आयोजित जीवन जीने की कला पर प्रवचन सत्संग माला के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को सकारात्मक सोचने की कला सिखाते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। केवल किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, जीवन में योग्यताओं को हासिल कीजिए। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास जगाइए। प्रवचन की शुरुआत नवकार मंत्र के सामूहिक पारायण से हुई। इससे पूर्व राष्ट्रसंतों के इतवारी के करण कोठारी ज्वेलर्स में आने पर श्रद्धालु भाई बहनों द्वारा धूमधाम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत्संग शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान युवाओं ने गुरुदेव के जयकारे लगाकर स्वागत किया। धर्म संघ की बहनों ने अक्षत उछालकर गुरुजनों का बधावना किया। कार्यक्रम में श्री अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट एवं श्री अरिहंत ग्रुप के सभी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान गुरु भक्ति पर श्री निपुर्णा आराधक महिला मंडल ने सुमधुर भजन की प्रस्तुति दी। मंच संचालन मनोज कटारिया ने किया और आभार संघ अध्यक्ष सुनील जैन और सुरेंद्र कोठारी ने किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने स्पष्ट किया है कि एक तरफ जहां कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल शुरू नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है। कड़ू ने कहा कि कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी कल से मास्क का उपयोग करने जा रहा हूँ। इसी बीच अब स्कूल शुरू होने वाला है और कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि स्कूल बाधित न हो, लेकिन फिलहाल स्कूल शुरू नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बच्चों कड़ू ने कहा। कोरोनाचा आत्ता काही रुग्ण अकोल्यात सापडलेला आहे, सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी। मी सुद्धा आता उद्यापासून मास्कचा कंटिन्यू वापर करेन। शाळेच्या संदर्भात नेमकी शाळा सुरुवात होणार आहे ना, अशा वेळेस कोरोनाचा प्रभाव वाढत चाललेला आहे, आम्ही त्याला रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू आणि नाही रोखला तर शाळेमध्ये कशी व्यवस्था चांगली करता येईल जेणेकरून त्याचा बाधित होणार नाही असा सुद्धा आम्ही प्रयत्न। 27 जूनपासून शाळा सुरू होणार ना, न सुरू आलं काही अडचण नाही आहे सध्या तरी, जास्तच प्रभाव वाढला तर वेळेवर निर्णय घेता येईल। हवाई सफर को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन फ्लाइट में छोटी सी भी चूक किसी की भी जान आफत में डाल सकती है। ऐसा ही हवा में उड़ते इजीजेट के विमान के साथ हुआ है, जिसकी एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत आ गई। हालांकि इस हादसे के पीछे की वजह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि फ्लाइट के पायलट की तबीयत खराब होना रही।
इजी जेट की फ्लाइट संख्या EZY6938 ने रविवार सुबह ग्रीस के हेराक्लियोन से स्कॉटिश राजधानी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के बीच कुछ ऐसा हुआ कि विमान में सवार यात्रियों की जान पर बनाई। डेली स्टार की खबर के मुताबिक विमान से इमरजेंसी लैंडिंग का मैसेज आया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर तैनात अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इसके तुरंत बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, इस घोषणा के बाद विमान में सवार यात्रियों की सांसें भी थमसी गई थी। एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इससे पहले एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया था। विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि उसने फ्लाइट के पायलट को टॉयलेट में दाखिल होते देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। फ्लाइट को तब एक यंग पायलट ऑपरेट कर रहा था, जिसने फ्लाइट में अनाउंस किया कि कैप्टन के बीमार होने की वजह से ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। यात्री ने बताया कि विमान में जानकारी दी गई कि पायलट करीब 13 घंटे से ड्यूटी पर था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो टॉयलेट के लिए गए थे और वहीं उनकी हालत खराब हो गई और बाहर नहीं आ सके। विमान ने शुरुआत में भी करीब 45 मिनट की देरी से उड़ान भरी थी। विमान कंपनी इजीजेट के प्रवक्ता ने बाद में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 जून को हेराक्लियोन से उड़ान भरने वाले विमान के कैप्टन बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत लैंड कराया और एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया था। खबरों के सिलसिले में एक वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां कुछ रोगियों में म्यूकर माइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ओमिक्रॉन का एक नया संस्करण है, जिसका इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है। हम इस पर ध्यान रखे हुए है कि मरीजों की संख्या न बढ़े। अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कैटरेक्ट का सटीक निदान करना, घरों का दौरा करना, लक्षणों वाले लोगों का निदान करना, मोतियाबिंद वाले लोगों की सूची बनाए और उन्हें तुरंत तालुका भेजना, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। म्यूकर मायकोसिसच्या बाबतीत जर काही त्या ठिकाणी पेशंट्स वाढत असतील तर म्यूकर मायकोसिसला महाराष्ट्र शासनाने, आरोग्य विभागाने खूप सिरियसली घेतलेलं आहे आणि निश्चित प्रकारे त्या बाबतीत जे काही महागडी ट्रीटमेंट आहे तर त्या बाबतीतला संख्या आणि सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही त्याबाबत, जसं आम्ही कोविडच्या कार्यकाळामध्ये पूर्वीच्या सेकंड वेवमध्ये आम्ही जसे निर्णय घेतले होते, तर जर संख्या वाढत असेल तर त्या बाबतीतला प्रस्ताव मी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाऊन
काही आधार आपल्याला आर्थिक दृष्टिकोनातून न्यूकर मायकोसिसच्या पेशंटला देता येईल का, या बाबतीत निश्चित प्रकारे सकारात्मक विचार आम्ही नक्की करू. ओबीसी इम्पिरिकल डाटा के संदर्भ में विजय वडेट्टीवार ने देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य को मान्य करते हुए उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी. कहा कि देवेंद्र जी ने दी हुई जानकारी सही है और इस संदर्भ में हुए नए बदलाव के बारे में अधिक जानकारी दी. देवेंद्र जी बोलले त्याची माहिती आम्हाला यापूर्वीच मिळालेली आहे. देवेंद्र जींनी सांगितलेली माहिती काही अंशी खरी आहे, कारण सॅम्पल डाटा गोळा करत असताना गावातील पहिल्यांदा आडनावाची माहिती गोळा केली गेली आणि एका आडनावाची माणसं एका जातीची असू शकत नाही. महाराष्ट्रामध्ये उदाहरणार्थ जर शिंदे आडनावाची माणसं आहेत तर त्यांना मराठा म्हणून तुम्ही समजाल. शिंद्यामध्ये, शिंदे समाजामध्ये, NT पण शिंदे आडनाव आहेत, OBC आहेत, कुणबी समाजात आहेत. त्यामुळे तुम्ही आडनावावरून जर हे आपण ठरवायला लागलो की हे आडनावाचा माणूस हा मराठा, जाधव हा महाराष्ट्रभर जाधव सरनेम आहे, असे अनेक सरनेम आहेत की ज्यातून आपण सॅम्पल सर्व्हेच्या माध्यमातून मोठा समाजच आहे असं गृहित धरून जर करायला लागलो तर मला वाटतं त्यातून OBCचे एकूण असलेली संख्या ही कदाचित कमी जास्त होऊ शकेल आणि त्यामध्ये OBCचं नुकसान होईल ही भावना आमचीसुद्धा काही अंशी होती. मी आपल्याला या संदर्भात मी कालच मांटे यांच्याशी बोललो, मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी बोललो. आज माझी सकाळीच चर्चा आमचे ग्रामविकासचे प्रधान सचिव त्यांच्याबरोबर झाला आहे आणि मी देवेंद्रजींनाही आश्वस्त करू इच्छितो की आमचं लक्ष यावर संपूर्ण बारीक आहे. ते म्हटले त्यामध्ये काही अंशी तथ्य आहे, त्यांच्या मुद्द्याचं मी काही अंशी समर्थन करतो, पण ही बाब आमच्याही लक्षात आली आणि त्यानंतर आम्ही अलर्ट मोडवर आलो आणि हे डेटा गोळा करत असताना आम्ही सांगितलं आहे की तुम्ही जर त्यामध्ये थोडी दुरुस्ती करा. आता अशी दुरुस्ती करायचं ठरलं आहे की हे डेटा गोळा करत असताना गावामध्ये सरनेम नंतर त्या सरनेमची माणसं कुठल्या जातीची आहेत, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आहेत ही सुद्धा माहिती आता आपण त्या ठिकाणी असलेल्या ग्रामपंचायतीकडून करून घ्यायची आणि त्यांच्यापुढे तो OBC कॅटेगरीचा असेल तर OBC, SC कॅटेगरीचा असेल, ST असेल, VJT जो पण असेल ती तशी नोंद केल्यानंतर हा प्रश्न मला वाटतं सुटेल. मला हीच भीती होती ज्या पद्धतीनं आडनाव गोळा करत असताना तीच भीती देवेंद्रजींनी व्यक्त केली आणि ती आता आमच्या लक्षात आली आणि आम्ही निश्चित रूपानं यामध्ये सुधारणा करू. नाहीतर मी सरकारमध्ये जरी असलो तरी आम्ही जे कमिशन नेमलेलं आहे त्याला आम्ही TOR दिला आहे, टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये जाऊन त्यांनी काम करायचं होतं. त्याच्या स्कोपच्या त्यांनी काम करत असताना हे सगळं विधेयक काही पिरियड थोडंसा मर्यादा होतं, कालावधी फार कमी होता आणि अशा स्थितीमध्ये सॅम्पल सर्वे करूनच आपल्याला काम करायचं होतं. आम्ही असंही म्हणालो होतो त्यावेळेस की आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा आहे, त्याचा वापर करा. 20 लाख कर्मचारी राज्यामध्ये आपल्याकडे आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत किंवा गाव पाहिलं तर शाळांचे शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी असं धरलं तरी 7-8 लोकं आपल्या एका गावामध्ये सहज मिळतील आणि त्यांनी जर एक गाव 600-500 घरांचं आहे, 3-4 दिवसामध्ये आपण सगळ्या फॅक्ट्स आपल्या लक्षापुढे येऊ शकतील, वास्तविकता लक्षापुढे येऊ शकेल आणि ते कुठेही यामध्ये गडबड होणार नाही अशीसुद्धा विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना आणि आम्ही आमच्या जयंत भाटिया साहेबांना किंवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि आमचे ग्रामविकास, कारण हे सर्व काम ग्रामविकासच्या अंडरमध्ये सुरू आहे, ग्रामविकास विभाग आणि त्याचे सचिव आमचे सगळे SES आहेत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ते सगळं काम बघताय आणि राजेश कुमारजी त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आणि ही बाब आमच्याही लक्षात आली आणि देवेंद्रजींच्याही लक्षात आली, त्यामुळे आता आम्ही सुधारणा करू आणि यामध्ये नक्की बदल होईल. OBCचं कोणत्याही पद्धतीचं नुकसान होत असेल तर मात्र ते आम्ही सहन करणार नाही आणि होऊ देणार नाही आणि आवश्यकता असेल तर तिथे विरोध करू. पदापेक्षा, खुर्चीपेक्षा OBCचं अहित होत असेल तर ते मात्र विजय वडेट्टीवार सहन करणार नाही. चंद्रपूर बाघों के जिले के नाम से प्रचलित है, ये सच है कि यहाँ के बाघों ने चंद्रपूर को नई पहचान दी, लेकिन इन्हीं बाघों ने मानवी शिकार भी किए.
जिले में बाघ मानव संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। जिले में रोज बाघों के हमलों की खबरें आती है। इसी प्रकार दुर्गानगर, ऊर्जानगर, कुंडी, इन गांवों में कुल 14 मानवीय शिकार वन्य जीवों ने किए हैं, जिस वजह से गांव के सुरक्षा का प्रश्न उठा है। देर से ही सही, अब वन विभाग ने वन्य जीव मानव संघर्ष रोकने के लिए 15 फीट ऊंची जाली लगाई है। असुरक्षित क्षेत्र 1.25 किलोमीटर सोलर लाइटों के साथ जाली से घिरा गया। यह जाली कम से कम गांव के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, ऐसा भरोसा वन विभाग को है। प्राथमिक स्तर पर जाली का काम शुरू है। 5 किलोमीटर पर जाली निर्माण किया जाएगा। मागील 5-6 महिन्यापासून दुर्गापूर परिसरातील वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 तसेच डब्ल्यू सेल एरियात मानव वन्यजीव संघर्षाच्या घटना घडत होत्या, त्यामुळे तेथील नागरिकांत रोष तयार झालेला होता आणि यावर उपाययोजना म्हणून वन विभागातर्फे तेथील झाडेझुडपेंची साफसफाई करण्यात आली, तसेच डब्ल्यू सेल मार्फतसुद्धा झाडेझुडपे साफ करण्यात आले आणि वन विभागातर्फे एक नवीन प्रयोग म्हणून ब्रेंडेड नेट जी जाळी आहे ती 15 फूट उंच आहे आणि जवळपास 1 किलोमीटरपर्यंत आम्ही ती जाळी लावणार आहे आणि ती लावलेली आहे, आता सध्या काम सुरू आहे आणि त्यामुळे मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी फार मदत होणार आहे। तरी पण तेथील लोकांनी दक्ष राहावे, जागरूक राहावे व इतरत्र रात्री इतरत्र फिरू नये असं मी त्यांना आवाहन करतो। दुर्गापूर, ऊर्जानगर, कोंडी, इन गावों में 2 सालों में तेंदुए के हमले में 14 लोगों की मौत हुई। इनमें से कुछ घटनाओं में बाघ और तेंदुए ने गाँव में घुसकर छोटे बच्चों को उठाया, जिससे गाँव में भय की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से वन विभाग के प्रति गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था। आम्हाला 9 वर्ष झाले, पण याच्या अगोदर कोणत्याही गोष्टीचा तेवढा त्रास नव्हता, पण या कालावधी 2022 मध्ये वन्य प्राणी नाही का आमच्यावर हमला करण्याची शक्यता आहे आणि झालेली आहेत। याच्या पुढे 13-14 लोकांना घायल केले, काही लोक बडी झाली आहेत, पण एक आमच्या आता नवीन वस्तीमध्ये 3 वर्षाची छोटीशी मुलगी, ती जी आई बाथरूममध्ये आंघोळ करत होती, ती तिच्यासमोर जेवण करत होती, जेवण करता करता मागून त्यांना बिबट्याने अटॅक करून त्या मुलीच्या मानाला पकडलं। तिची आई कपडे न लावता अशीच त्या बिबट्याच्या मागे गेली आणि आपल्या मुलीला हिसकावून आणली। आता हे कशी कालावधी मागच्या महिन्यात झालेली आहे, या महिन्यामध्ये नितीन भाऊंनी आमच्या झोपड्या ज्या आहेत ना त्यांच्यासमोरून पूर्ण जाळी लावली आहेत, याच्या पुढे आम्हाला इतका धोका नाही राहील असं वाटते। आमच्या या दुर्गापूर नेरीकोंडी परिसरात मागील 2 वर्षात आमच्या या परिसरातील जवळपास 14 नागरिकांचा वाघ व बिबटच्या हल्ल्यात आतापर्यंत मृत्यू झाला, त्याच्यामुळं या भागात काहीतरी वन विभागाने उपाययोजना करावी यासाठी अनेकांनी पाठपुरावा केला होता। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही सतत वनाधिकारी यांच्याकडे वाघ व बिबट यांच्या हल्ल्यात काहीतरी नियंत्रण यावे याच्याकरता ठोस उपाययोजना यावी याकरता सतत पाठपुरावा केला। त्या अनुषंगाने वन विभागातर्फे आता जवळपास 1.25 किलोमीटर लांब आणि 15 फूट उंच अशी ही जाळी बांधण्यात आली। हा जो परिसर आहे हा निरुपयोगी असल्यामुळे याच्यात जंगल सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे इथं वाघ व बिबटचा मोठ्या प्रमाणात वावर होत होता। आता ह्या जागेची साफसफाई झाल्यामुळं आणि ही जाळी बांधल्यामुळं आता काही प्रमाणात नागरिकांची सुरक्षितता होण्याच्या अनुषंगाने हे जे काम करण्यात आलं याच्यात आता नागरिकांना धोका कमी होणार, त्याच्यामुळे ज्या वनाधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही त्यांचे आभार मानले आणि नागरिकांनासुद्धा आवाहन केले की ह्या जाळीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी तुमची स्वतःची आहे, त्याच्यामुळं या जाळीची नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। मागील काही दिवसापासून दुर्गापूर क्षेत्र, नेरीकोंडी क्षेत्र, ऊर्जानगर या क्षेत्रामध्ये वाघ व बिबट्याचा खूप प्रमाणात हल्ले होऊन राहिले होते, याच्यामध्ये निष्पाप 14 बळी इथं गेलेले आहे। त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नितीनभाऊ भटारकर यांच्या नेतृत्वात त्यांनी आंदोलन केलं, त्यानंतर त्यांनी सतत वन विभागाची पाठपुरावा केला की आम्हाला इथं जंगल स्वच्छता करून द्यावी, तसेच याच्याबद्दल काहीतरी ठोस निर्णय घेण्यात यावा। या अनुषंगाने वन विभागाने इथे सर्व स्वच्छता करून दिली, डब्ल्यू सी एलने स्वच्छता करून दिलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आणि वन विभागाने विशेष काळजी म्हणून 1.25 किलोमीटर लांब अशी जाळी आणि 15 फूट अशी जाळी आणि या गावाच्या बाहेरील क्षेत्रात म्हणजे जनावर येणार नाही म्हणून नाही का, त्या अनुषंगाने त्यांनी ही सर्व व्यवस्था केली। त्या निमित्त राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे वन विभागाचे डब्ल्यू सी एलचे आभार मानते। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में घरकुल योजना पर दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि NMRDA की ओर से 20,000 के ऊपर घरकुल मंजूर किया गया है, पर प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर जो घरकुल मंजूर किए गए हैं उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बड़े पैमाने पर घरकुल का काम कम हुआ है। देखा जाए तो 20,000 घरकुल से अभी तक 1100 घरकुल का काम पूरा किया गया है, पर 2022 के बीच सभी घरकुल पूरे करने के लिए बैठक की गई है।
नाही, NMRDAकडे 20,000 वर घरकुलं मंजूर आहेत. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि नागपूरमध्ये जी घरं प्रधानमंत्री योजनेत मंजूर झाली आहे त्या घरांचा टेक्निकल प्रश्नाच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणावर घरकुलाचे कामं कमी झाले आहेत. साधारणतः 20,000 घरचे काम चालू व्हायला पाहिजे. केवळ जो आता जर मी आढावा घेतला यामध्ये 1100 घरं आता जवळपास पूर्ण होत आले फक्त, आणि बाकी घरांना अजूनही सुरुवात झाली नाही आहे. तर आमचा मूळ प्रश्न होता की प्रधानमंत्री मोदीजींनी 2022 आत सर्वांसाठी घरे ही योजना जर मंजूर केली असेल तर मग NMRDA 2022 आत ही घरं पूर्ण करणार आहेत का? याकरता मी आणि माननीय आमदार टेकचंद सावरकर यांनी साधारणतः नागपूर जिल्ह्याची बैठक लावली आहे. पण परिस्थिती विपरीत आहे. अजूनही 1100 थांबला आहे. 20,000 घरं केव्हा पूर्ण होतील जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने मंजूर केले आहेत याचा हा प्रश्न आहे. याबद्दलची बैठक आहे. 2022 डिसेंबरच्या आतमध्ये NMRDAने घरं पूर्ण केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. तो विकी बी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए विकी बी न्यूज. नमस्कार.